Hi guys, my name is Aroon Kumar and I'm back with another video। आज जो मैं डिवाइस लेकर आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर किसी को स्मार्ट टीवी खरीदना है और अगर आप स्मार्ट टीवी की कॉस्ट देखें तो वो भी ज़्यादा है। और इतना बड़ा टीवी और उसमें इतने सारे स्मार्ट फीचर्स होने के बावजूद हम कितने फीचर्स स्मार्ट टीवी के यूज़ करते हैं, बहुत ही लिमिटेड। लाइक नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ब्राउजिंग, इन 3 से 4 फीचर्स के अलावा हम अपने स्मार्ट टीवी को यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर एक ऐसा डिवाइस हो जो कि आपके नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर दे और आप ये सारे के सारे फीचर्स अपने टीवी पे यूज़ कर सकें, येस इट्स पॉसिबल। जो कि ये डिवाइस है, इसका नाम है मिराकास्ट डोंगल। मार्केट के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये डोंगल आपको बहुत ही डिफरेंट नामों से मिलेगा। मिराकास्ट डोंगल, एंड्रॉयड डोंगल भी इसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट ये एंड्रॉयड है नहीं। इसे स्क्रीनकास्ट डोंगल भी कहा जाता है और मिररिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इस डिवाइस का फंक्शन क्या है कि आपके घर में अगर कोई भी नॉर्मल टीवी है, LCD या LED, उसमें HDMI पोर्ट होना लाजमी है। आपको ये डिवाइस उस HDMI पोर्ट के अंदर कनेक्ट करना है। देन आपके घर में अगर कोई भी विंडोज़, मैक, iOS और एंड्रॉयड डिवाइसेज हैं, आप अपने टीवी के साथ मिरर कर सकते हैं। मीन्स वही स्क्रीन जो आपके सेलफोन की, आप अपने टीवी पे मीन्स बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं और वो सारी एप्लीकेशन जो आपके सेलफोन के अंदर हैं वो आप अपने टीवी पे यूज़ कर सकते हैं। और इसकी कॉस्ट आपके स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी से बहुत कम है। सो वी विल जस्ट डू द अनबॉक्सिंग ऑफ दिस वन एंड इफ यू गाइज आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो यू विल नॉट मिस दिस काइंड ऑफ वीडियोस एंड वी विल जस्ट डू द अनबॉक्सिंग ऑफ दिस डिवाइस। सो गाइज, दिस इज द मेन डिवाइस विच इज़ अ G2 मिररकास्ट डोंगल। मार्केट के अंदर बहुत सारे मिररकास्ट डोंगल्स हैं लेकिन हमारे पास अभी G2 है। ये इसकी पैकेजिंग है और साइड कॉर्नर में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से सपोर्ट करेगा, लाइक DLNA, iOS, एंड्रॉयड, मैक एंड विंडोज़ डिवाइसेस। और जो रेजोल्यूशन होगी वो फुल HD होगी। सो राइट नाउ वी विल जस्ट ओपन द बॉक्स एंड सी व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स। सबसे पहले तो मैनुअल है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको कॉन्फ़िगर करना थोड़ा सा टफ है, तो इस चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बट आई विल शो यू द प्रैक्टिकल हाउ टू कॉन्फिगर दिस डोंगल विद योर टीवी। सेकेंड थिंग जो कि मेन डिवाइस है, ये मिराकास्ट डोंगल है और ये उसका HDMI पोर्ट है। ये HDMI पोर्ट आपके टीवी से कनेक्ट होगा। यहाँ पे इसका माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है और यहाँ पे इसका मोड फंक्शन का बटन दिया गया है, 1 प्रेस फॉर iOS एंड 1 प्रेस फॉर द एंड्रॉयड डिवाइसेस। तो 2 डिफरेंट मोड्स पे ये काम करेगा। थर्ड थिंग, इन्होंने एक वाईफाई मॉड्यूलर दिया हुआ है। अगर आपके घर में वाईफाई सिग्नल्स वीक हैं तो आप इसको डायरेक्टली इस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो वो सिग्नल वीक नहीं होंगे, जो कि यहाँ पे कनेक्ट होगा इस तरीके से। एंड देन दिस HDMI पोर्ट विल गो इनसाइड योर टीवी और ये USB पोर्ट जो होगा वो टीवी के USB पोर्ट में जाएगा। अगर आपके टीवी में USB पोर्ट नहीं है देन यू कैन यूज़ द नॉर्मल USB चार्जर ऑल्सो। अब मैं इसे टीवी के साथ कनेक्ट करूँगा एंड वी विल कॉन्फिगर विद अवर स्मार्टफोन। सो गाइस, मैंने डोंगल अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें 2 डिफरेंट मोड्स आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड पर जो है वो मिराकास्ट फॉर द एयरप्ले, मींस आप एप्पल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। और जो राइट साइड पर है वो एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए, अगर आपको मोड चेंज करना है तो जो स्विच का बटन डोंगल के अंदर था आपको जस्ट वो एक दफ़ा प्रेस करना है, इस तरीके से मोड चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड से राइट साइड में मोड आ गया। सेकेंड थिंग, ये इसका SSID है, ये इसका पासवर्ड है जो कि आपके सेलफोन से फर्स्ट टाइम कनेक्ट होगा। देन आपको ये डोंगल अपने वाईफाई राउटर के साथ कॉन्फ़िगर करनी होगी। उसके बाद आप अपना सेलफोन इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और एट द सेम टाइम आप ब्राउजिंग भी कर सकते हैं क्योंकि यही बहुत सारे कस्टमर्स की कंप्लेन होती है दैट दे कैन कनेक्ट द डिवाइस विद द टीवी बट दे कैन नॉट ब्राउज। तो मैं आज आप लोगों को ये कन्फ्यूजन बहुत ही ईजिली क्लियर करूँगा कि ये डोंगल आप अपने सेलफोन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आप ब्राउज भी कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो आप यहाँ टॉप पे देख लें कि यहाँ पे आपको कुछ कनेक्शंस नज़र आ रहे होंगे कि ये आपका सेलफोन है, ये डोंगल है, ये वाईफाई राउटर है, जो कि एक दूसरे से भी कनेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने सेलफोन के वाईफाई के अंदर जाएंगे और वहाँ पर आपको मिराकास्ट की ये ID नज़र आ रही होगी जो कि आप कनेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने इस ID को सर्च करना है, ये उसका पासवर्ड है, ये आप वहाँ पे मेंशन करेंगे 894। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा, आपका जो सेलफोन है वो डायरेक्टली इस टाइम उस डोंगल के साथ कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इस डोंगल को आपके घर के वाईफाई राउटर से कॉन्फ़िगर करना ताकि आप ना सिर्फ अपने सेलफोन का डिस्प्ले टीवी पे देख सकें बल्कि एट द सेम टाइम आप ब्राउजिंग वगैरह भी कर सकें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपका सेलफोन आपके डोंगल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने सेलफोन के ब्राउज़र में जाना है और ये आईपी एड्रेस मेंशन करना है जो यहाँ पे दिया गया है, जो कि है 192.168.203.1। उसके बाद जैसे ही आप इसको मेंशन करेंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे इस डोंगल की इंफॉर्मेशन आ रही होगी। उसी में टॉप पे एक जगह लिखा है इंटरनेट, जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे रिफ्रेश का बटन दबाएंगे आपके घर का जो राउटर है उसका SSID यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। जैसे कि मेरे घर का SSID है वकार, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसका पासवर्ड लगाता हूँ। जैसे ही मैं ये करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये डोंगल डायरेक्टली आपके वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ये यहाँ पे सिंबल आ जाएगा, नाउ दिस डोंगल इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर होम नेटवर्क। तो अब जैसे ही आप अपने सेलफोन के मिरर कास्ट में जाएंगे, मीन्स iOS के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे स्क्रीन मिरर के नाम से आता है, एंड्रॉयड में आप जाएंगे तो उसके अंदर मिरर कास्ट भी है और स्क्रीन मिरर भी है और मिरर स्क्रीनिंग भी है। 3 से 4 डिफरेंट तरह के नाम होते हैं एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर। इस वक्त जो मेरे पास एंड्रॉयड डिवाइस है उसके अंदर है वायरलेस डिस्प्ले। जैसे ही मैं वायरलेस डिस्प्ले के ऑप्शन को ऑन करूंगा मुझे वहाँ पे मिरर कास्ट जो इस डोंगल का नाम है वो वहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मैं उसे प्रेस करूंगा मेरा सेलफोन का जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली मेरे टीवी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो गाइस, राइट नाउ माय सेलफोन इज़ कनेक्टेड विद द टीवी। अब इसमें एक और चीज़ है, जैसे ही आपने इस डोंगल को अपने वाईफाई राउटर के साथ कॉन्फ़िगर किया तो ऑटोमेटिकली इसकी जो अपना हॉटस्पॉट है वो गायब हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे घर के वाईफाई नेटवर्क का ही नाम आएगा। जैसा कि अगर मैं अपने वाईफाई के अंदर भी जाता हूँ तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वहाँ पे अब मेरे घर का वाईफाई वो दूसरा वाईफाई ऑटोमेटिकली वहाँ से गायब हो चुका है। तो अब मैं जो चाहूँ यहाँ पे कर सकता हूँ, अपने सेलफोन से ब्राउजिंग, कॉन्टेंट, ऑनलाइन वगैरह कुछ भी देख सकता हूँ। अब जैसा कि अगर मैं यूट्यूब पर जाता हूँ, नॉर्मली अगर मैं माय चैनल में जाके कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, अब आप देख रहे हैं ये कंटेंट ऑनलाइन चल रहा है सारा का सारा। Hi guys, my name is Aroon Kumar and I'm back with another video. Last time I bring a camera which is comes with analog block. If you guys didn't watch, pause the video sub। इसके अलावा अगर मैं जो चाहूँ ऑनलाइन अब देख सकता हूँ, इवन ब्राउजिंग वगैरह कर सकता हूँ, डाउनलोडिंग कर सकता हूँ, मूवीज़ वगैरह डायरेक्टली अपने सेलफोन में मेरे पास जो भी कॉन्टेंट है मैं अपने टीवी पे देख सकता हूँ। इवन इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो इसको रोटेट भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक वे में दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो आप इसको आप चाहे तो इसे रोटेट भी कर सकते हैं। तो गाइस, ये प्रोसेस था हाउ टू कनेक्ट द सेलफोन विद द टीवी और हाउ टू कन्वर्ट योर नॉर्मल टीवी इनटू स्मार्ट टीवी। सो गाइज, दिस वॉज द रिव्यू ऑफ द डोंगल। अगर आप लोगों को ये डोंगल परचेज करनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ मैंने इसे कहाँ से ख़रीदा है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो इस डोंगल के हवाले से आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। थैंक यू।